नमस्कार दोस्तों, एडसेट लेक्चर में आपका सब आप सबका स्वागत है। हेल्थ केयर में आज हम लोग चर्चा करेंगे हाइपरटेंशन और उससे जुड़ी कई बीमारियों के बारे में। हाइपरटेंशन किस तरह से हार्ट पर, किस तरह से नर्व पर, किस तरह से किडनी पर प्रभाव डालता है और ख़तरनाक साबित होता है, साथ में इसके क्या निदान हैं, क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। और इन सभी बिंदुओं पर चर्चा के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर के अग्रवाल, जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कई अवार्ड मिल चुका है, पद्मश्री, बीसी राय नेशनल अवार्डी, और साथ ही कई संस्थाओं के प्रेसिडेंट, चेयरमैन और पैट्रन हैं। तो मैं समझता हूं कि इनका ज्ञान और अनुभव हम लोग को हाइपरटेंशन और उससे के प्रभाव को समझने में लाभदायक साबित होगा। इस उम्मीद के साथ डॉक्टर अग्रवाल को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपना व्याख्यान शुरू करें। वेलकम सर। नमस्कार। बातचीत हम कर रहे हैं ब्लड प्रेशर की, उच्च रक्तचाप की, सो हिंदी में हम लोग बोलते हैं। जिस तरीके से हम एक पानी की ट्यूब लेके पानी को फेंकते हैं, उसमें प्रेशर चाहिए होता है, उसी तरीके से हमारी हार्ट की जो नलियां हैं, आर्टरीज हैं, जो हार्ट से निकलती हैं और पूरे शरीर में जाती हैं और हर ऑर्गन में ब्लड पहुँचाती है, उसमें एक प्रेशर चाहिए। तीन चीज़ें चाहिए उस आर्टरी के अंदर में। सबसे पहले चाहिए स्ट्रोक वॉल्यूम, कि एक कंट्रैक्शन में, हार्ट इज़ लाइक ए बूस्टर पंप, एक बार उसने बूस्टर पंप में कितना ब्लड फेंका उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। एक मिनट में कितनी बार फेंका उसको हम बोलते हैं हार्ट रेट। और जब वो मूव कर रहा है तो उसको रास्ते में कितनी रुकावट, अवरोध, कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है, वो डिपेंड करेगा मेरी इलास्टिसिटी वेसल की, उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस। इसका मतलब हो गया, ब्लड प्रेशर का मतलब क्या हुआ, कि ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, या तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गया, एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको एनीमिया हो गया, खून की कमी हो गई, आपको थायराइड हो गया, आपको स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, या आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाए, या दवाइयों से बढ़े या भागने से बढ़े, या आपका पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाए एज के अनुसार में, इलास्टिसिटी कम हो गई, बुढ़ापा आ गया, या फिर आपको एसेंशियल हाइपरटेंशन हो गया, किसी भी कारण से आपको ये बीमारी हो गई, या आपकी आर्टरीज में कोई ख़राबी है जिसको बोलते हैं कंजनाइटल, पैदाइशी बीमारी है, कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा है, या फिर एक्वायर्ड डिसीज़ हो गई जिसको हम पल्सलेस डिसीज़ बोलते हैं। कहने का मतलब है कि ब्लड प्रेशर में ये तीन बेसिक फैक्टर्स हैं, और ब्लड प्रेशर को हम नापते हैं नंबर से, एक ऊपर का ब्लड प्रेशर और एक नीचे का ब्लड प्रेशर। ऊपर के ब्लड प्रेशर को हम बोलते हैं सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर, नीचे के ब्लड प्रेशर को हम बोलते हैं डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर का मतलब है कि जो ब्लड प्रेशर 120 से कम है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर, और जो ब्लड प्रेशर 80 से कम है उसको हम बोलते हैं डायस्टॉलिक नॉर्मल ब्लड प्रेशर। यानी कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 बटा 80 से कम होना चाहिए, 119 और 79। इससे ज़्यादा अगर होगा तो आपको ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल से ज़्यादा है। अगर नॉर्मल से ज़्यादा है आर्टरी के अंदर में तो प्रेशर पड़ेगा ऑर्गन्स में, तो ब्रेन में प्रेशर पड़ेगा, तो ब्रेन में डैमेज हो सकता है, किडनी में हो सकता है, आंखों में हो सकता है, हार्ट में हो सकता है। सो हमारा बेसिक पर्पस है किसी भी कारण, किसी भी चीज़ से ब्लड प्रेशर को 120 बटा 80 से कम रखना। अब बढ़ने का मतलब क्या है, बढ़ने का मतलब है कि अगर 120 बटा 80 से ज़्यादा है और 140 बटा 90 से कम है, यानी कि ऊपर का 140 से कम है या और नीचे का 90 से कम है, इसको हम बोलते हैं प्री हाइपरटेंशन। इसका मतलब है कि अभी पूरा हाइपरटेंशन नहीं हुआ लेकिन आप हाइपरटेंशन की तरफ जा रहे हो, यहाँ से कॉम्प्लिकेशंस होनी स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि हार्ट डिसीज़, आई डिसीज़ होनी चालू हो जाती है। यहाँ पे रिवर्सिबल है, यहाँ पे आप 6 महीने तक बिना दवाइयों के कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हो, इसलिए इसको प्री हाइपरटेंशन बोला जाता है कि बिना दवाइयों के आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। अगर 140 90 से ज़्यादा हो गया तो हम बोलते हैं इस आदमी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है। 140 में 90 में आप 20 और 10 जोड़ दो, ऊपर का 160 नीचे का 100। अगर 160 बटा 100 से नीचे है, 140 90 से ऊपर है, आप बोलते हो स्टेज वन हाइपरटेंशन, और 160 बटा 100 से ऊपर है उसको बोलते हो स्टेज टू हाइपरटेंशन। अब हमने ऐसा क्यों बनाया है, अगर आपका ब्लड प्रेशर ऊपर का 160 से ज़्यादा है या नीचे का 100 से ज़्यादा है
या दोनों हैं, ऊपर का 160 से ज़्यादा है, नीचे का 100 से ज़्यादा है, इसका मतलब है अब आपका ब्लड प्रेशर बिना दवाइयों के कंट्रोल नहीं हो सकता, आपको दवाइयाँ खानी ही पड़ेंगी, आपके चेंजेस इरिवर्सिबल हो गए हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर 160 बटा 100 से कम है, इसका मतलब है अभी भी सुधरने का मौका है, आप लाइफस्टाइल मेडिकेशंस कुछ दवाइयों से धीरे 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 आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। यानी कि अगर आपने अपना ब्लड प्रेशर चेकअप नहीं कराया तो चेकअप कराइए और डॉक्टर से पूछिए मेरा बीपी कितना है। अगर आपका बीपी 120 बटा 80 से कम है, बी हैप्पी। अगर 120 बटा 80 से ज़्यादा है तो नंबर मांगिए कि 140 बटा 90 से कम है, 160 बटा 100 से कम है या 160 बटा 100 से ज़्यादा है। तो ये हो गया पहला स्टेप कि मेरे को ब्लड प्रेशर है कि नहीं। अगर मेरे को ब्लड प्रेशर है तो दूसरी चीज़ मेरे को इमीडिएटली देखनी है कि इस ब्लड प्रेशर से मेरे को कोई डैमेज तो नहीं हुआ। ब्लड प्रेशर का कोई सिम्टम नहीं होता। जब तो आपको पता लगेगा मेरे को ब्लड प्रेशर है, हो सकता है 5-6 साल से आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा चल रहा हो। और जब ब्लड प्रेशर 5 साल तक अगर आपको पता नहीं लगा तो ऑर्गन्स में डैमेज करना चालू कर देता है। इसलिए हमें क्या देखना है कि किडनी में डैमेज तो नहीं है। किडनी में डैमेज कैसे पता लगेगा? साल में एक बार यूरिन टेस्ट कराओ और उसमें माइक्रो एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन इन माइक्रो अमाउंट्स निकल के आ जाएगा। सो अगर किडनी में डैमेज होगा तो यूरिन के अंदर में एल्ब्यूमिन इन माइक्रो अमाउंट्स आएगा। आप अपनी आंखें चेक करा लो, आंखों के अंदर में ब्लड प्रेशर के चेंजेस आ जाएंगे। आपका आई डॉक्टर जो है साल के चेकअप में बोलेगा कि आपको तो लग रहा है कि ब्लड प्रेशर है। आप अपना हार्ट चेकअप करा लो तो डॉक्टर आपका जो कार्डियोलॉजिस्ट है अगर आपकी उसके चेकअप के लिए जा रहे हो तो आपको पता लग जाएगा कि हार्ट के अंदर में ब्लड प्रेशर के चेंजेस हैं कि नहीं है। ब्रेन के चेंजेस यूजुअली डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, वो तो कॉम्प्लिकेशन से ही आते हैं। सो आपने पता लगाया कि मेरे को ब्लड प्रेशर है तो इमीडिएटली आपने पता लगाया कि मेरे को कोई टारगेट ऑर्गन तो नहीं है। दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि मेरी उम्र कितनी है। उम्र का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपका ब्लड प्रेशर आपकी उम्र 20 साल से कम है या आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर नहीं है, इसको हम सेकेंडरी ब्लड प्रेशर बोलते हैं। यानी कि कोई ना कोई कारण है जिस कारण से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। अगर 20 साल से कम की उम्र में आपका ब्लड प्रेशर आ रहा है, हो सकता है आपकी किडनी में खराबी हो सकता है आपको कोई ट्यूमर हो सकता है आपके कोई वेसल के अंदर में एबनॉर्मेलिटी हो। उस सिचुएशन के अंदर में डॉक्टर के पास जाके हमें उसका कारण ढूंढ के कारण का इलाज करना है, ब्लड प्रेशर का इलाज नहीं करना। कारण का इलाज नहीं करोगे तो ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होगा। अगर आपकी उम्र 50 साल के बाद है और पहली बार आपको ब्लड प्रेशर महसूस हो रहा है तो ढूंढो, ऐसा तो नहीं है किडनी में खराबी हो, ऐसा तो नहीं है कि किडनी की आर्टरीज के अंदर में ब्लॉकेज आ गया हो, ऐसा तो नहीं है कि आपकी जो है डायबिटीज़ हो। कोई भी कारण अगर आपको मिलता है 50 के बाद में तो देखना है। सो मेरे को ब्लड प्रेशर है कि नहीं है, पहले मैं देखूंगा कि मेरा ब्लड प्रेशर कितना है। अगर है तो मेरी उम्र कितनी है, 20 से कम इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाऊंगा, 50 से ज़्यादा इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाऊंगा, 20 और 50 के बीच में कोई बात नहीं। अब मैं देखता हूँ कि मेरे को कोई टारगेट ऑर्गन डैमेज तो नहीं हुआ, मेरी आई में डैमेज तो नहीं है, मेरे हार्ट में डैमेज तो नहीं है, मेरे किडनी में डैमेज तो नहीं है, मेरे ब्रेन में डैमेज तो नहीं है। मान लीजिए नहीं है या है, अगर है तो दवाइयाँ पक्की, फिर मैं लाइफस्टाइल का वेट नहीं करूँगा। अगर आपको कोई ऑर्गन में डैमेज है, इसका मतलब है 5 साल ऑलरेडी निकल गए, तो मैं इमीडिएटली दवाइयों पे आ जाऊँगा। अब मैं क्या देखूँगा कि क्या मेरे को सिर्फ ब्लड प्रेशर है, क्या कुछ और तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है मैं साथ में डायबिटीज़ भी हो, ऐसा तो नहीं है कि साथ में मैं स्मोकिंग भी करता हूँ, ऐसा तो नहीं है मेरे को पेट का मोटापा हो, ऐसा तो नहीं है मेरा कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा हो, मेरे को जेनेटिक्स फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है। पता लगा मेरे घर में सब लोगों को फैमिली हिस्ट्री है तो उसका ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट थोड़ा एग्रेसिव हो जाएगा। सो अगर आपको एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स हैं, स्ट्रेस लेवल आपका कैसा है, आपका खान पान कैसा है, आप नॉनवेज कितना खाते हैं, आप शराब कितनी पीते हैं, ये सारे फैक्टर्स जो हैं साथ में, फिर आपका डॉक्टर आपसे पूछेगा, फिर आपको निकालने हैं, फिर मेरे को इलाज डिसाइड करना है कि मेरे को खतरा कितना है हार्ट अटैक होने का, मेरे को खतरा कितना है मेरी आंखें ब्लाइंड होने का, मेरे को खतरा कितना है मेरे को ब्रेन हैमरेज होने का, मेरे को खतरा कितना है मेरी किडनी फेल होने का, मेरे को खतरा कितना है नपुंसक होने का। ये खतरे जब आपका डॉक्टर आपको निकाल देगा तब आपके सामने प्लान आएगा कि अब मैं क्या करूं, मैं अपना लाइफस्टाइल बदलूं, मैं दवाइयां लूं अपनी कॉम्प्लिकेशंस को कैसे बचाऊं, हो गई हैं तो कैसे जीऊं, और मैं अपने दवाइयां जब लूं तो मैं नेचुरोपैथी लूं कि मैं आयुर्वेद लूं कि मैं होम्योपैथी लूं कि मैं एलोपैथी लूं। ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने चाहिए। जैसा मैंने कहा, अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 बटा 90 से कम है, दवाइयों की ज़रूरत नहीं है।
अगर आपका ब्लड प्रेशर 160 बटा 100 से कम है, आप 6 महीने बिना दवाइयों के अपने आप को ट्राई कर सकते हो। अगर आपका ब्लड प्रेशर 160 बटा 100 से ज़्यादा है या आपके ऑर्गन्स में डैमेज है, तब तो आपको दवाइयाँ लेनी ही है। ना लेट्स हैव टू सिचुएशंस, एक में जिसमें दवाई की ज़रूरत है, दूसरे में जिसमें दवाई की ज़रूरत नहीं है। लेट्स से सिचुएशन दवाई की ज़रूरत नहीं है, यानी कि मेरा ब्लड प्रेशर 160 बटा 100 से कम है, तो मैं बिना दवाइयों के 6 महीने ट्राई कर सकता हूँ। सबसे पहले सिगरेट, अगर मैं सिगरेट पीता हूँ तो मुझे सिगरेट छोड़नी पड़ेगी। एक सिगरेट से 6 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है इमीडिएटली, तो 4 सिगरेट पी एकदम से ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। तो सिगरेट पीने से ब्लड प्रेशर, एक्यूट ब्लड प्रेशर बढ़ता है, सिगरेट ब्लड प्रेशर नहीं करता। लेकिन अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो सिगरेट से आपका ब्लड प्रेशर पीते हुए बढ़ सकता है, यानी कि सिगरेट मुझे छोड़नी है। डॉक्टर के पास जाइए, सिगरेट को छोड़िए। आजकल असिस्टेंस पॉसिबल है, काउंसलिंग होती है, 18 सेशंस लगते हैं और धीरे धीरे या एब्रप्टली आपके सिगरेट को छुड़वा दिया जाता है। दूसरा कि मैं शराब पीता हूँ कि नहीं पीता। यस, ब्लड प्रेशर के मरीज अगर शराब पीते हैं, अगर ब्लड प्रेशर का मरीज 5 पैग एक घंटे में या 6 पैग एक दिन में पीता है, एक पैग का मतलब है 30 ml, अगर आपने 5 पैग एक घंटे में यानी कि 150 ml शराब, यानी कि 3.5 आपका पटियाला पैग जिसको 60 ml का पैग बोलते हो, अगर आपने एक घंटे में पी लिया, या फिर आपने 6 पैग यानी कि 180 ml 3 पटियाला पैग आपने दिन भर में पी लिए, तो आपका ब्लड प्रेशर एक एग्रेसिवली ऊपर बढ़ सकता है, ब्रेन की नस फाड़ सकता है, हार्ट अटैक कर सकता है, किडनी को डैमेज कर सकता है। इसको हम बोलते हैं बिंज अल्कोहलिज्म। अगर आप शराब पीते हैं 80 ml से कम एक दिन के अंदर में और 240 ml से कम हफ्ते के अंदर में और एक घंटे में 30 ml से ज़्यादा शराब नहीं पीते, तो शायद आपको ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा ना बढ़े। मेडिकल वैल्यू में अगर आप 18 ml शराब पीते हैं, 18 ml, तो शायद ये ब्लड प्रेशर को फ़ायदा भी पहुँचाए क्योंकि इससे आपको रिलैक्सेशन मिलता है। ये तो हुई शराब के बाद। अब शराब के बाद में मुझे देखना है कि मेरे को डायबिटीज़ तो नहीं है, क्योंकि अगर डायबिटीज़ ज़्यादा है आपको, ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है, तो हार्ट अटैक होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। डायबिटीज़ के लिए क्या करेंगे, फास्टिंग शुगर, 8 घंटे कुछ नहीं खाएंगे, 8 घंटे बिना कुछ खाए अपना सवेरे फास्टिंग शुगर टेस्ट करा लेंगे। अगर आपका फास्टिंग शुगर 80 से कम है, यू आर हैप्पी। अगर 126 से ज़्यादा है, आपको डायबिटीज़ है। अगर 80 और 126 के बीच में है, तो अगेन लाइफस्टाइल मैनेजमेंट चाहिए, क्योंकि आपको प्री डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है। इसका मतलब है कि आपको 110 के ऊपर में प्री डायबिटीज़, 110 के नीचे हम बोलते हैं कि बॉर्डरलाइन आपका जो है ब्लड शुगर बढ़ गया है। तो अगर आपने ब्लड शुगर टेस्ट कराया और आपने बोला हाई है, तो आपने प्रिकॉशंस ली, चीनी चावल मैदा बंद कर देंगे, अनाज दिन भर में एक बार खाएंगे, साल में 80 दिन अनाज नहीं खाएंगे। नेक्स्ट फैक्टर, आपने चेक कराया कि मेरा लिपिड प्रोफाइल कैसा है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल, अगर आपका ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है और आपका HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम है, तो इसका मतलब है आप चीनी चावल मैदा ज़्यादा खा रहे हैं। अगर आपका LDL गंदा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, इसका मतलब है आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और एनिमल फैट ज़्यादा खा रहे हैं और घी तेल मक्खन 0.5 किलो 1 महीने से ज़्यादा खा रहे हैं। तो ये आपने प्रिकॉशंस ले ली कि मेरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा तो नहीं है। फिर आपने देखना है कि आप दिन भर में सेडेंट्री लाइफ हैं कि आप एक्सरसाइज भी करते हैं। याद रखिए, आपने 80 मिनट दिन भर में चलना है, चाहे आप दिन भर में 10 बार में जाके 80 मिनट चलो, हफ्ते में एक बार 80 मिनट, हफ्ते में 80 मिनट तेज चलना है। तेज चलने का मतलब है 1 मिनट में 80 कदम। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, सेडेंट्री लाइफ जी रहे हैं, दिन भर में कुर्सी में बैठे हुए हैं, तो फिर आपका ब्लड प्रेशर धीरे 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 बढ़ सकता है। फिर आपने देखना है कि मेरे को पेट का मोटापा तो नहीं है। पेट का मोटापे का मतलब है पेट की चौड़ाई 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है औरतों में, 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है आदमियों में, तो आपको ब्लड प्रेशर होने की संभावना ज़्यादा है। ये आपने देखना है। और अगर आपको पेट के अलावा पूरी बॉडी का मोटापा है, फिर तो ब्लड प्रेशर और बढ़ेगा। अगर 10 किलो वजन कम कर दो, तो 10 मिलीमीटर आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, यानी कि हर 1 kg के, अगर आपका ब्लड प्रेशर मान लीजिए 90 और आपने 80 करना है और 10 किलो वजन कम कर लो, तो आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा मोटापा वाला रिस्क फैक्टर। इसके साथ में फिर हमने देखा है मेरा स्ट्रेस लेवल कितना है। स्ट्रेस लेवल कितना है, मैं गुस्सा तो नहीं करता, इरिटेबल तो नहीं होता, मेरे को फियर तो नहीं है, मेरे को कोई और बीमारी तो नहीं है। इसको हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। इसको हम कहते हैं सिनेसिज्म स्कोर। आप आंखें बंद करिए, बैठिए और सोचिए कि आप पिक्चर हॉल में गए, पिक्चर हॉल के अंदर में आपके आगे एक लंबा आदमी आके बैठ गया, जिससे आपकी पिक्चर आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रही, तो पहली चीज़ आपके मन में क्या आएगी।
अगर पहली चीज आपके मन में ये आती है, आप उसको बोलोगे ए नीचे बैठ, सर नीचे कर, या इधर कर या उधर कर, या आप उसको बोलोगे कि तू एक साइड पे हो, मुझे दिख नहीं रहा, आप उससे लड़ाई करने चालू कर दोगे, तो इसका मतलब है कि आपका जो स्वभाव है वो स्ट्रेस लेवल आपका ज़्यादा है, आपको सिनिसिज्म, आपको चिड़चिड़ापन आपको ज़्यादा है, उस सिचुएशन में आपको ब्लड प्रेशर होने की संभावना ज़्यादा है। क्योंकि आपने जब टिकट खरीदा तो ये आपने एक लॉटरी निकाली, लॉटरी का मतलब है आपने टिकट में आपको कहीं नहीं लिखा कि आपके टिकट के आगे आप आपके जो आदमी होगा वो छोटा होगा, ये आपकी किस्मत है। अगर वो बड़ा आदमी है तो उसका क्या कसूर है, आप उसको नहीं हटा सकते, चेंज करना है तो आपने करना है, आप साइड पे जाइए या आप खड़े होकर देखिए या पिक्चर में देखिए, उसका कसूर नहीं है। अगर आप उसको कसूरवार मान रहे हो, इसका मतलब है जो आपकी नेचर है, आपका सिनिसिज्म, आपका जो चिड़चिड़ापन है वो नॉर्मल से ज़्यादा है, रिएक्ट्रेशनरी है, इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। दूसरा, अगर आपको डर है बहुत, हर चीज़ का आपको डर लगता है, सो फियर एंड चिड़चिड़ापन, एंगर, अगर आपको एंगर ज़्यादा आता है, अगर आपको, अगर आपके घर में मान लीजिए आपका पेन खो गया तो आपके मन में पहला विचार क्या आता है, अगर पहला विचार ये आता है कि किसी ने चुरा लिया, नौकर ने चुरा लिया, तो इसका मतलब है आप शक्की हैं, आपको ब्लड प्रेशर होने की बीमारी ज़्यादा होने की उम्मीद है। सो फियर ब्लड प्रेशर, एंगर लीड्स टू हार्ट अटैक, और पोसेसिवनेस लीड्स टू हार्ट फेलियर। तो ये आपने देखना है कि आपके फैक्टर्स क्या हैं, फिर आपने देखना है कि आपके फैक्टर्स में आपकी आयुर्वेदिक प्रकृति कैसी है, आप वात प्रकृति के हैं, पित्त प्रकृति के हैं, या कफ प्रकृति के हैं। वात वाले पतले दुबले होंगे, दिल की धड़कन थोड़ी तेज होगी, हाथ ड्राई होंगे और ठंडे होंगे, इन लोगों को ऊपर का ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है, पल्स की रेट आपको ज़्यादा मिलेगी, इसमें दवाइयाँ हम पल्स रेट कम करने वाली देंगे। दूसरा, अगर आपकी प्रकृति पित्त प्रकृति की है, आप मीडियम बिल्ट हो, आपके हाथ गर्म रहते हैं, आपके हाथ में पसीना आता है, आपके बाल जल्दी ग्रे हो गए, आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, आपको एसिडिटी ज़्यादा होती है, तो आपको पित्त प्रकृति के हो, तो आपको स्ट्रोक वॉल्यूम के कारण से ब्लड प्रेशर है, इसमें जो दवाइयाँ दी जाती हैं, हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स नाम की दवाई देते हैं। अगर आप मोटे हैं, नॉर्मल से ज़्यादा मोटे हैं, आपके हाथ ठंडे रहते हैं, आपको पसीना आता है, ठंडे और पसीना एज अगेंस्ट वात, जहाँ पे ठंडे और ड्राई, और उसके अलावा आपको कोई चीज़ की चिंता नहीं होती, आप मस्त मौलाओ, आपको डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा है। अगर आपको यहाँ पे ब्लड प्रेशर है तो यहाँ पे आपको हम नमक कम खिलाएंगे, वात वाले को नमक कम नहीं करेंगे, पित्त वाले को नमक कम करेंगे, कफ वाले को हम नमक कम करेंगे, हम आपको यहाँ नमक कम करेंगे, पानी की कमी करेंगे आपकी डाइट के अंदर में, घी तेल मक्खन की आपकी क्वांटिटी कम करेंगे, आपको एक्सरसाइज ज़्यादा कराएंगे। तो हर चीज़ का इलाज अलग अलग है। तो आप लोगों ने क्या देखा कि ब्लड प्रेशर के अंदर में हर चीज़ का इलाज अलग अलग है, और ये पक्का है कि सिम्टम्स नहीं आते ब्लड प्रेशर के। सिम्टम्स जब आएंगे, जब ऑर्गन डैमेज हो जाएगा, ब्रेन में डैमेज हो गया तो स्ट्रोक, हार्ट में डैमेज हो गया तो कार्डियक स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी में डैमेज हो गया तो किडनी फेलियर, आई में डैमेज हो गया तो दिखना कम हो गया, उसका हमें वेट नहीं करना। तो सिम्टम्स का हमें वेट नहीं करना। सो लेट्स नाउ कम बैक टू ट्रीटमेंट एंड देन वी विल फोकस लिटिल बिट ऑन स्ट्रोक एंड न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस। ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल है, नॉन ड्रग ट्रीटमेंट हमने डिस्कस कर लिया। ट्रीटमेंट के लिए तो आपने दवाइयाँ देनी है, आयुर्वेद वाले क्या करेंगे, उनके पास अपनी दवाइयाँ हैं, आप दे सकते हो, लेकिन आयुर्वेद की दवाइयाँ 160/100 से पहले में काम करेंगी। अगर 160/100 से ज़्यादा है तो आयुर्वेद दवाइयाँ शायद काम ना करें। होम्योपैथी के अंदर में बहुत सारे टिंचर्स हैं, होम्योपैथी के अंदर में आपके पास में बहुत सारी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, लेकिन वो दवाइयाँ भी तभी काम करेंगी अगर आपका ब्लड प्रेशर 160/100 से कम है। आप 6 महीने ट्राई कर सकते हो, फेल हो जाए तो आप एलोपैथी में आ जाए। नेचुरोपैथी में नेचुरल ट्रीटमेंट है, आप आयुर्वेद का पंचकर्मा कराइए, नेचुरोपैथी की आप एनिमा या वस्ती ट्रीटमेंट लीजिए, जो कि वात टाइप के ब्लड प्रेशर के लिए है, ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं 6 महीने के लिए 160/100 से नीचे। अगर 160/100 से ज़्यादा है तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट ही लेना है। और एलोपैथी में मेरे पास चार ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं। एक ड्रग है जो मेरी हार्ट रेट कम करती है, जिसको हम बीटा ब्लॉकर बोलते हैं। एक ड्रग है जो मेरा स्ट्रोक वॉल्यूम कम करता है, जिसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोल, जिसको हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बोलते हैं, या मेरा रेजिस्टेंस कम करता है, जिसको हम डायूरेटिक्स या एस इनहिबिटर्स बोलते हैं। तो ये चार ग्रुप ऑफ ड्रग्स के अंदर में मुझे चूज करनी है और आदमी का इलाज करना। इसका भी एक फार्मूला है 20/10। अगर आपको ब्लड प्रेशर 20 ऊपर का नीचे का 10 कम करना है तो आपको एक दवाई की ज़रूरत है। यानी कि अगर आपको ब्लड प्रेशर 60 कम करना है तो 3 दवाइयाँ लगेंगी, यानी कि 3 डिफरेंट ग्रुप्स की दवाइयाँ लगेंगी, एक दवाई से आपका काम नहीं चलेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको एक ही दवाई मिले, हो सकता है आपका डॉक्टर आपको 2 या 3 दवाइयाँ दे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। सो ब्लड प्रेशर बाय हुक और बाय क्रुक 120/80 से कम रखिए,
नहीं तो साल में एक बार आई चेकअप कराइए, आई डैमेज हो सकता है, आपकी आई डैमेज हो गई हो। हार्ट चेकअप कराइए, ईसीजी कराइए, इको टेस्ट कराइए, टीएमटी टेस्ट कराइए, देखने के लिए हार्ट में डैमेज तो नहीं आ गया। किडनी का टेस्ट कराइए, माइक्रो एल्ब्यूमिन का, किडनी में खराबी तो नहीं आ गई आपका, हो सकता है किडनी फंक्शन धीरे धीरे कम होना चालू हो जाए। और जो चौथा फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक के बारे में जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रोक अचानक आएगा, एकदम से आपके पैरालिसिस हो जाएगी। और अगर आपको पैरालिसिस हो गई तो और आपने विद इन 1 आवर एकदम से डॉक्टर के पास नहीं पहुंचे और उसने इलाज नहीं किया, तो परमानेंटली आपको लकवा पड़ सकता है। तो स्ट्रोक का मतलब क्या हुआ कि इट कैन बी TIA, यानी कि 1 घंटे के अंदर में स्ट्रोक हुआ, रिकवर हो गया, और 1 घंटे में रिकवर नहीं हुआ तो उसको हम बोलते हैं फुल फ्लेज पैरालिसिस हो गई। पैरालिसिस में क्या होगा, अचानक आपको दिखना बंद हो गया एक आंख के अंदर में, या बोलना बंद हो गया, आपके मुंह से सलाइवा आना चालू हो गया, या फिर आपको इमीडिएटली आपका एक हाथ ने काम करना बंद कर दिया या एक पैर ने काम करना बंद कर दिया। उस सिचुएशन के अंदर में आपकी जबान लड़खड़ा गई, आपकी बोलने में दिक्कत हो रही है, तो हम बोलेंगे कि ये स्ट्रोक का निशानी है। सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ता है अर्ली मॉर्निंग में, इसको हम बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग सर्ज, और रात को बोलते हैं लेट नाइट डिप, नाइट्स नाइट डिप। रात को ब्लड प्रेशर कम होता है, सवेरे बढ़ता है, इसलिए सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर के कारण से पैरालिसिस या हार्ट अटैक होने का खतरा अर्ली मॉर्निंग होता है, सवेरे 6 और 9 बजे के बीच में सबसे ज़्यादा। और उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, बदपरहेजी करते हैं, सुबह उठते हैं लेट, दवाई खाते नहीं, सुबह का ब्लड प्रेशर पहले ही ज़्यादा है, दवाई हमने रात को खाई नहीं, सवेरे खाते हैं, वो गलत काम करते हैं, और सुबह उठ के चाय पी लेते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ गया, या सिगरेट पी ली और ब्लड प्रेशर बढ़ गया, पॉटी करने गए तो वहाँ स्ट्रेन कर लिया, अचानक पैरालिसिस का अटैक पड़ गया। हमारे को सुबह का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए दवाई रात में खानी चाहिए, और अगर सुबह की दवाई खानी है सवेरे उठते ही 6 बजे खानी चाहिए। वॉक करने से पहले आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आना चाहिए, अगर सवेरे उठते ही आपने चाय पी ली, कॉफ़ी पी ली, वॉक पे निकल गए, दवाई शरीर में है नहीं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, और आपने साथ में सिगरेट पी ली और लंबी वॉक पे निकल गए, दौड़ने निकल गए, तो अचानक आपको स्ट्रोक प्रेसिपिटेट हो सकता है, ये आपको इम्पॉर्टेंट है। तो स्ट्रोक ब्लड प्रेशर के मरीज में अगर हम ब्लड प्रेशर को कम कर दें, याद रखिए अगर मैं ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर दूं तो 50% पैरालिसिस, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर सोसाइटी से कम हो जाएंगे। अगर मैं 5 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर को कम कर दूं तो 21% मेरी मोर्टैलिटी कम हो जाएगी। अगर मैं ब्लड प्रेशर को सिर्फ 2 मिलीमीटर मरकरी की मात्रा से कम कर दूं तो भी मेरी मोर्टैलिटी कम हो जाएगी, इतना इंपॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर। अगर मैं सोसाइटी के अंदर में सबका नमक, अगर मैं 1 चम्मच से ज़्यादा नमक, अगर मैं रूल निकाल दूं कि पूरे भारत के अंदर में कोई भी आदमी 6 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं खाएगा, तो 50% ब्लड प्रेशर के मरीज आज से ही हमारी सोसाइटी में गायब हो जाएंगे, इतनी इम्पॉर्टेंस है ब्लड प्रेशर की। अगर आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं एंड करने से पहले एक समराइज कर देता हूँ कि ब्लड प्रेशर के मरीज में हम ब्लड प्रेशर ठीक नहीं करते, ABC ठीक करते हैं। A का मतलब A1C, यानी कि डायबिटीज़ का मार्कर है, हम डायबिटीज़ भी कंट्रोल करते हैं। B का मतलब ब्लड प्रेशर 120/80 से कम रखते हैं और साथ में कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं। अगर पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और डायबिटीज़ भी ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है, तो फिर आप हार्ट अटैक से आदमी को नहीं बचा सकते। तो ABC ये बहुत याद रखना ज़रूरी है। वी डोंट ट्रीट ब्लड प्रेशर, वी ट्रीट ऑल 3, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल। और मेरा 80 का फार्मूला याद रखें, अगर आप चाहते हैं, अगर आपको ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और आप चाहते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर के कारण से हार्ट अटैक या पैरालिसिस ना हो, तो KK अग्रवाल का 80 का फंडा याद रखिए। दिल की धड़कन, गंदे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, पेट की चौड़ाई, नीचे का ब्लड प्रेशर और फास्टिंग शुगर, सबको 80 से कम रखें। इसके लिए दिन भर में 80 मिनट चलें, 1 हफ्ते में 80 मिनट तेज चलें। तेज चलने का मतलब है 1 मिनट में 80 कदम। एक बार में 80 ग्राम से ज़्यादा कैलोरिक फूड ना खाएं, एक बार में 80 ml से ज़्यादा कैलोरिक लिक्विड ना लें, शराब ना पिएं, पिए तो 80 ml से कम, और 1 हफ्ते में 80 ग्राम से कम, ये ध्यान रखें। सिगरेट ना पिएं, 80,000 रुपये का खर्चा आ जाएगा। दिन भर में 80 साइकिल्स प्राणायाम की करें, 80 साइकिल प्राणायाम करने के लिए 20 मिनट लगते हैं विद स्पीड ऑफ 4 पर मिनट। उसके अलावा साल में 80 दिन अनाज ना खाएं,
ऐसे किसी नॉइजी एटमॉस्फेयर में ना बैठें जिसका जो नॉइस लेवल है 80 डेसिबल से ज़्यादा हो, क्योंकि इससे अचानक आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर आप ये सारी प्रिकॉशंस रखते हैं तो 80 साल तक आप मेरे पास में हार्ट अटैक या पैरालिसिस लेके, ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशंस लेके नहीं आएंगे। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि मॉर्निंग में ब्लड प्रेशर राइज करता है और रात में डिप करता है, तो इसके लिए जैसा कि अपने रात में दवा ले, एक तो हो गया, और क्या कैसे पता चलेगा, जैसे कोई उठा सुबह में जागा तो उसके बाद उसको लगे कि नहीं अब हमको कुछ दिक्कत हो रही है, कोई संकेत भी मिलता है इसके पहले कि अचानक हो जाएंगे? ब्लड प्रेशर इज ए साइलेंट किलर, ये आपको कभी कॉम्प्लिकेशन से ही आपको ये पहचान में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ओनली आंसर इज 4 साल की उम्र में पहला ब्लड प्रेशर चेकअप कराओ, दूसरा ब्लड प्रेशर चेकअप कराओ 10 साल की उम्र में, फिर 10 और 20 साल की उम्र में दो बार चेकअप कराओ, और 20 साल के बाद में हर साल अपना ब्लड प्रेशर चेकअप कराओ। कॉम्प्लिकेशंस हो, हार्ट अटैक होगा तो छाती में दर्द होगा, घुटन होगी, अगर आपको दबाव हो रहा है, अगर किडनी डैमेज होगी तो आपको यूरिन कम ज़्यादा होगा, अगर आपको ब्रेन में डैमेज हो रहा है तो स्ट्रोक के सिम्टम्स आएंगे। तो ये सिम्टम्स तो आपको पहचानने ही पड़ेंगे, ब्लड प्रेशर का कोई सिम्टम नहीं होता, कॉम्प्लिकेशंस के सिम्टम्स होते हैं। कुछ लोगों को दवा लेने के बावजूद भी सीने में दर्द होता है, तो उसको क्या कहेंगे? या अगर आपको चलने पे, अगर आपको चलने पे या सीढ़ियाँ चढ़ने पे छाती में घुटन होती है, दबाव आता है, दर्द होता है या जलन होती है, तो ये हार्ट की ब्लॉकेजेस का लक्षण हो सकता है। अगर आप कहते हैं कि मेरे को छाती में दर्द होता है जो कंटिन्यूस रहता है, वो हार्ट का नहीं है, जो 30 सेकेंड से कम का है वो हार्ट का नहीं है, और जो लोकलाइज है वो हार्ट का नहीं है। हार्ट का दर्द चलने पे आएगा, दौड़ने पे आएगा, सीढ़ियां चढ़ने पे आएगा। एक दिल्ली से दर्शक है, उनका सवाल लेते हैं। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया अपना सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब, ये एक रिलायबल ब्लड प्रेशर की मशीन कौन सी है? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि रिलायबल ब्लड प्रेशर की मशीन कौन सी है। ये एक डिफिकल्ट, हमारे लिए एक डिफिकल्ट चीज आ रही है, क्योंकि मरकरी हमारे शरीर में नुकसान करता है। पूरे वर्ल्ड में मरकरी बैन हो चुका है, भारत में भी उन्होंने फेज आउट करने के ऑर्डर्स दे दिए हैं सरकार ने। सो मरकरी बीपी इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट रिलायबल, नॉट रिकमेंडेड एंड नॉट टू बी यूज्ड। इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट्स हमारी कंट्री में रिलायबल नहीं है, अनलेस यू हैव ए टेम्परेचर मेंटेनेंस, यानी कि अगर आपका घर सेंट्रल एसी हो तभी इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट्स रिलायबल है। जितने भी मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट्स मिल रहे हैं उनका प्लीज इस्तेमाल ना करिए, उसकी रीडिंग्स रिलायबल नहीं है। हस्पतालों में भी हम इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स का रिलाई नहीं करते, अनलेस हमारा सेंट्रल एसी आईसीयू है जहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। अब बचा हमारे पास में बीच वाला, जिसको हम बोलते हैं एनरॉयड ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट्स, वो रिलायबल है, वो बाजार में मिलते हैं, उसी से ब्लड प्रेशर को चेकअप करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स रिलायबल नहीं है, मरकरी हैज टू बी फेज आउट, क्योंकि मरकरी इज 100% रिलायबल एक्यूरेट, लेकिन मरकरी टूटता है, एनवायरनमेंट में जाता है, बीमारियां पैदा करता है, मरकरी पॉइजनिंग करता है। ओके, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जिनको दर्द हो, सीने में दर्द हो, तो एक तो आपने बताया कि उनको हार्ट में ब्लॉकेज होगा या कोई और अन्य बीमारी, ब्लड प्रेशर के मरीज को चेक कराने के बावजूद अगर कुछ नहीं हो, अगर आदमी को आपने चेकअप कराया है और आपको हार्ट की बीमारी नहीं है, फिर भी अगर आपको छाती में दर्द होता है, इसको हम टीट्स सिंड्रोम बोलते हैं, सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस में यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, इसके अलग इलाज होता है, इससे ठीक हो जाता है, ये हार्ट की बीमारी का लक्षण नहीं है और ये ब्लड प्रेशर की बीमारी का भी लक्षण नहीं है। याद रखिए, चेस्ट पेन ब्लड प्रेशर का लक्षण नहीं है। अगर चेस्ट पेन ब्लड प्रेशर के साथ हो रहा है, मान लीजिए, तो रेयरली, अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत शूट अप हो गया और शूट अप होने के कारण से आर्टरी रप्चर हो गई, जिसको बोलते हैं डिसेक्शन ऑफ एओर्टा, उसके अंदर में आपको दर्द हो सकता है, अदरवाइज ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक का लक्षण नहीं है। एक झारखंड से दर्शक है, उनका सवाल लेते हैं। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया सवाल पूछिए। हाँ सर, इसमें ब्लड आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ पूछिए पूछिए, आपकी आवाज आ रही है, सवाल पूछिए। हाँ सर, ये पर ईयर हम अगर चेक नहीं करते हैं, अगर हम क्या नहीं करते, ब्लड प्रेशर चेक नहीं करते हैं, तो उसका जो फिजिकल फिटनेस ठीक है, मान लीजिए यदि 3 किलोमीटर चलते हैं, पैदल चलते हैं, तो इससे
नहीं नहीं नहीं, नहीं ब्लड, आप 3 किलोमीटर पैदल चलते हैं, फिटनेस ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या नहीं करते, नापते नहीं? हाँ नापते नहीं है। नहीं, ब्लड प्रेशर तो नापना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है, ब्लड प्रेशर नापना बहुत जरूरी है। आप अपने, अगर आप गाड़ी खरीदते हैं, अगर आप, आपके पास कार है, आपके पास स्कूटर है या आपके पास साइकिल है, तो आप हमेशा जाके हवा चेक कराते हैं कि नहीं कराते? आप कार की हवा क्यों चेक कराते हैं? आप स्कूटर की हवा क्यों चेक कराते हैं? आप अपनी साइकिल की हवा क्यों चेक कराते हैं? आप कहते हैं ना हवा कम हो जाएगी तो मैं चल नहीं पाऊंगा करके, उसी तरीके से आपकी हवा यानी कि ब्लड प्रेशर, आपको अपने शरीर का जो टायर है, जो मेरी आर्टरीज हैं, उसकी भी तो हवा चेक करानी चाहिए ना बार बार। आप साल में एक बार कराइए, एक साल के लिए आपको मिल गया, अगर हवा कम ज्यादा है तो उसका इलाज कराइए। सही बात। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि छाती में दर्द, वो अलग किस्म का दर्द था, और आपने बताया कि उसका इलाज अलग है, तो क्या है वो, क्यों होता है? नहीं, अगर वो ब्लड प्रेशर, अगर आपको छाती में दर्द होता है, इसको हम टीट सिंड्रोम बोलते हैं, उसमें हम अल्ट्रासाउंड करके चेक कर लेते हैं, वहाँ इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, वहाँ पे दवाइयाँ देते हैं आपको, पेन किलर्स, उससे अगर ठीक नहीं होता तो एक लोकल वहाँ पे हल्का सा इंजेक्शन एंटी इन्फ्लेमेटरी का लगा दिया जाता है, उससे जाके वो ठीक हो जाता है। ओके, तो उसको चेक करवाना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम लोग सोच ले कि तो भी वो सीरियस नहीं है, वो सीरियस नहीं है, वो बिल्कुल पक्का है कि वो सीरियस नहीं है। अच्छा, तो और दूसरा जो देखा जाता है कि जिसको बीपी है, तो सर में दर्द एक किस चीज़ का पहचान है? सर का दर्द बीपी का निशान नहीं है, बीपी के लिए सर में दर्द नहीं होगा। अगर सर में दर्द हो रहा है, चर्चा करेंगे, एक आगरा से दर्शक है, उनका सवाल पहले लेते हैं। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सवाल पूछिए। जी सर, मैं आगरा से बोल रहा हूँ, जीतपाल सिंह। सवाल ये है सर, मुझे बीपी ज्यादा रहता था। बीपी ज्यादा रहता है सर? आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आप सवाल पूछिए। हाँ सर, तो मुझे पैरालाइज हो गया सर। क्या हो गया? पैरालाइज हो गया। पैरालाइज हो गया? हाँ सर जी, मुझे पैरालाइज हो गया था। हाँ, सर्दियों में पैरालाइज हो गया था सर। हाँ, सर्दियों में पैरालिसिस हो गया था, उसके बाद लेफ्ट साइड में। हाँ सर जी, लेफ्ट साइड में हो गया है, चल फिर लेता हूँ, लेकिन दौड़ नहीं सकता। अभी आपको ब्लड प्रेशर कितना है? किस कारण से पैरालिसिस हुआ था, ब्लड प्रेशर के कारण से कि किसी और कारण से? ब्लड प्रेशर सर 160 और 100 के आसपास रहता है। वेरी गुड। सो इनके अंदर में हम पता नहीं कैसे कैसे हो गया ये। अब इनका बड़ा सिंपल सवाल है, इन्होंने बोला है कि मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर 160/100 रहता है अभी भी। इसका मतलब है कि इनका ब्लड प्रेशर दवाइयों पे 160/100 है, इसका मतलब है 160/100 से ज्यादा रहता होगा। राइट। तो इसका मतलब है कि एस्टेब्लिश हाइपरटेंशन हो गया, ब्रेन की पैरालिसिस हो गई, इसका मतलब कम से कम 5 साल से इनको ब्लड प्रेशर है, ऑर्गन डैमेज इसके अंदर में आ गया। अभी भी 160/100 चल रहा है, इसका मतलब है ट्रीटमेंट पूरा नहीं ले रहे। अगर 120/80 से के वे पे नहीं लेकर आएंगे तो 160/100 से आगे जाके दिक्कत हो जाएगी। अगर किसी को एक्यूट पैरालिसिस होती है तो हम कुछ दिनों के लिए 160/100 टॉलरेट कर सकते हैं, बट नॉट परमानेंटली। परमानेंटली तो इनको ब्लड प्रेशर कम ही करना पड़ेगा। फिर उन्होंने बोला ठंड में मेरे को ब्लड प्रेशर बढ़ा। याद रखिए, ठंड का मौसम में ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा बढ़ता है। ठंड का मौसम यानी कि विंटर सीजन। विंटर सीजन में भी दो प्रकार के विंटर हैं, वेट विंटर एंड ड्राई विंटर। ड्राई विंटर होता है हमारा इसका जो लोहड़ी के आसपास, ड्राई विंटर में ऊपर का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, वेट विंटर में नीचे का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और फुल मून पूर्णिमा के समय में हमेशा ऊपर का ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो ये लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अपनी फ्लक्चुएशंस ब्लड प्रेशर की हो सकती है। और जो लोग बीटा ब्लॉकर नाम की ब्लड प्रेशर की दवाइयां ले रहे हैं, उनमें ये फ्लक्चुएशंस कभी भी आ सकते हैं। उनको यहाँ पे विंटर से फर्क नहीं पड़ता, उनको विंटर से फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली एंगर, जो लोग एंगर रिलेटेड ब्लड प्रेशर होता है, साथ में एस्पिरिन लेते हैं प्रिवेंशन के लिए, तो उनको एंगर के कारण से हार्ट का डैमेज थोड़ा कम हो जाता है। सो इनको अपना पैरालिसिस के लिए एक बार हो गया तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्लॉट वाला पैरालिसिस है या हेमरेज वाला पैरालिसिस है। हेमरेज वाला पैरालिसिस रिलेटिवली ज़्यादा रिकवर कर जाता है। दोनों चीज़ें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रेगुलर एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी से इसमें फ़र्क पड़ता है। अपना ब्लड प्रेशर को कम रखिए, बाकी के रिस्क फैक्टर्स को नलीफाई करने की कोशिश करिए। और अभी उनका ब्लड प्रेशर हाई है तो अपना निजी चिकित्सक से मिलकर इसका इलाज। जी हाँ, अपने ब्लड प्रेशर को 120/80 से कम रखिए। एलोपैथ के अलावा 160/100 में आयुर्वेद होम्योपैथी काम नहीं करेगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर 160/100 से ज्यादा है। इसमें आपको एस्टेब्लिश्ड एलोपैथिक दवाइयां ही लेनी पड़ेगी। गुजरात से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया अपना सवाल पूछिए। नमस्कार
हाँ जी सर, मेरा सवाल ये है कि हाइपरथायरॉइडिज्म और बीपी में क्या रिलेशन है? हाइपो और हाइपर? हाइपरथायरॉइडिज्म, हाइपर, हाइपरथायरॉइडिज्म और हाइपरटेंशन? नहीं, हाइपर मतलब है कि ज्यादा हो गया थायराइड। ओके, आपकी उम्र कितनी है? नहीं, मेरे को नहीं है सर, मेरे को जानना है, मेरे रिलेटिव से। किसको है? रिलेटिव को है। उनकी उम्र कितनी है, मेल है कि फीमेल है? उनकी उम्र 40 साल। 40 साल की है। देखिए, थायराइड की बीमारी हाइपो और हाइपर दोनों ब्लड प्रेशर से लिंक हो सकते हैं। हाइपो का मतलब है कि थायराइड बॉडी में कम काम कर रहा है, इसमें आदमी को मोटापा आता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और आगे जाके इनको ब्लड प्रेशर की बीमारी भी हो सकती है। हाइपर में क्या हो रहा है, आपकी दिल की धड़कन बढ़ गई, पल्स रेट बढ़ गया। जब आपका पल्स रेट बढ़ गया दिल की धड़कन से, तो आपका ऊपर का ब्लड प्रेशर इनवेरिएबली बढ़ जाएगा। सो हाइपरथायरॉइडिज्म का एक लक्षण ये भी हो सकता है कि आपको पहली बार ही ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिला, पता लगा आपको थायराइड की बीमारी है। थायराइड की बीमारी वालों के हाथ कांपेंगे उनके। आप एक कागज लीजिए, सामने हाथ करिए, इस कागज को हाथ के ऊपर में रख दीजिए तो उनका हाथ कांपेगा। अगर हाथ कांप रहा है, इसका मतलब है थायराइड का हाइपर फंक्शन है। उनको बोलो जीभ बाहर निकाले तो जीभ आपको कप कपाती हुई मिलेगी, दिल की धड़कन ज्यादा मिलेगी, ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा मिलेगा। वो बोलेगा खाना ज्यादा खा रहा हूँ, वजन कम हो रहा है, पसीना आ रहा है। ये थायराइड के हाइपर फंक्शन की निशानी है। इसमें हम जैसे ही थायराइड की आप दवाइयाँ चालू करते हो, साथ में बीटा ब्लॉकर नाम की ब्लड प्रेशर की दवाई देते हो, सारी चीजें 6 से 8 महीने में कंट्रोल हो जाती है। ये इसका तरीका। पंजाब से एक दर्शक है, उनका सवाल लेते हैं। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया सवाल पूछिए। हाँ जी सर, मेरी एज 60, हाँ जी, मैं 60 साल का हूँ और बॉडी वेट 105 किलो है। 5 क्या? और मैं 105 kg। हाँ जी, 105 किलो। और जब मेरा ब्लड प्रेशर 90 और 160 रहता है। तब मैं अच्छा फील करता हूँ, इससे कम हो जाए तो बिस्तर पर लेट जाता हूँ। वेरी गुड। इन्होंने बोला है कि मेरी उम्र 60 साल की है, मेरा वजन 105 किलो का है और मेरा ब्लड प्रेशर हमेशा ज़्यादा रहता है। अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो मेरे को सिम्टम्स आ जाते हैं। इसका मतलब है कि ऑलरेडी आपके बॉडी के ऑर्गन्स में डैमेज आना चालू हो गया है कि आपको इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए चाहिए। सबसे पहले आप अपना वजन कम करिए, कम से कम 15 से 20 किलो वजन कम करिए, तो बॉडी अपने आप धीरे 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 अपने ब्लड प्रेशर को कम करना चालू कर देगी। सो ब्लड प्रेशर की दवाइयों को आपको धीरे धीरे एडजस्ट करके 2 से 3 महीने में 160/90 से 140/90 पे लेकर आइए। और वजन को जितना कम करेंगे उतना बॉडी ऑटोमेटिकली आपके ब्लड प्रेशर को धीरे 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 कम करेगी। स्ट्रांग दवाइयाँ देके एकदम से कम करेंगे तो ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, आपको चक्कर आ जाएंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने ब्लड प्रेशर को 160/90 पे छोड़ दिया तो आपको सठियापना उम्र से पहले आ जाएगा। सठियापने का मतलब होता है डिमेंशिया, आपको भूलने की बीमारी चालू हो जाएगी, आपको जो है समझने की बीमारी का चालू हो जाएगी, आपको कैलकुलेशन, लैंग्वेज, पढ़ना लिखना, इस सब के अंदर में धीरे धीरे इंपेयरमेंट चालू हो जाएगा, आपकी इंटेलिजेंस लेवल जो है कम हो जाएगी। तो 160/90 पे तो मैं हमेशा रख नहीं सकता, तो इसको धीरे 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 डॉक्टरी सलाह के अनुसार में धीरे 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 कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। और 105 से टारगेट बनाइए कि मेरे को 90 पे आना है। एक और पंजाब से ही दर्शक हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। जी, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। हेलो, नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ, ऐसे जी, मैं 8 पेशेंट हूँ। वेरी गुड। हाँ, 5 साल से। कितने साल से? 5 साल से। मेरी जो है पंपिंग है वो 32 है। 32% है। हाँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये दवाई खाने से इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती। दूसरा ये है कि मुझे कितनी सैर करनी चाहिए रोजाना? सी, 2-3 चीजें हैं कि मेरे को 5 साल से हार्ट का बीमार हूँ और मेरी पंपिंग एक्शन 32% है। तो सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए कि पंपिंग एक्शन का मतलब क्या है। पंपिंग एक्शन का मतलब है कि मेरा हार्ट जो पंप कर रहा है, जो पंपिंग एक्शन 50 से 60% होना चाहिए, तो एक बार में एक मेरा हार्ट 60% ब्लड को बाहर फेंकता है, आपका 32% बाहर फेंक रहा है। इसका मतलब है कि आपकी हार्ट की फंक्शनिंग 50% है। ये सोच के मत चलिए मेरा हार्ट 30% काम कर रहा है, इसको हम नहीं बोलते, क्योंकि नॉर्मल 60% होता है। तो आपका हार्ट करीबन 50% काम कर रहा है, तो पंपिंग एक्शन आपका 32% है। अगर आपका पंपिंग एक्शन 30% से कम है तो
तो एक इलेक्ट्रॉनिक आईसीडी मशीन लगाने की जरूरत होती है। अगर आपका फंक्शन 35% से कम है तो हमारे को चेक करना पड़ता है कि पंपिंग की मशीन लगाऊं कि नहीं लगाऊं। अगर 40% से कम है या 35 से ज्यादा है तब हम और टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 32 है कि 35 है कि 36 है कि 37 है, ये नंबर आपका करेक्ट आना चाहिए। यानी कि अच्छी जगह से आप वेरीफाई कराइए कि मेरा ये 32 है कि नहीं है। नंबर दो, आपको सिम्टम्स है कि नहीं है। अगर आपको सिम्टम्स नहीं है तो इलाज अलग है, सिम्टम्स हैं तो इलाज अलग है। तीसरा, हमें आपको ये देखना पड़ेगा कि पंपिंग एक्शन के अंदर में कि आपके इको में हार्ट के दो फंक्शंस होते हैं, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और हार्ट का रिलैक्सेशन। अगर आपका हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन फंक्शन खराब है तो इलाज दूसरा है, और अगर आपका रिलैक्सेशन फंक्शन साथ में खराब है तो उसके लिए प्रोग्नोसिस आपकी रिलेटिवली अच्छी है। इन सब चीजों को देखते हुए दवाइयों से कई केसेस के अंदर में 6 महीने में हम लोग इजेक्शन फ्रैक्शन को 40 से ऊपर ला सकते हैं। अगर आपका इजेक्शन फ्रैक्शन 40 से ऊपर आ गया तो आपने बाजी जीत ली। अगर आपका इजेक्शन फ्रैक्शन 6 महीने बाद भी 40 से कम रहा तो चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं आपको असिस्ट डिवाइस की, किसी ना किसी असिस्टिंग डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। दवाइयां के लिए एक चेकलिस्ट है, हार्ट फेलियर के मरीज को एक चेकलिस्ट बनती है कि डायुरेटिक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, एस इनहिबिटर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बीटा ब्लॉकर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा उसको। ये तीन दवाइयां बहुत जरूरी हैं। उसके अलावा उसको जो है कोलेस्ट्रॉल की दवाई मिल रही है कि नहीं मिल रही, ये चेकलिस्ट होती है। ज्यादातर लोगों को दवाइयां पूरी सही समय पे सही तरीके से नहीं मिलती। अगर हार्ट फेलियर के मरीज को सही दवाइयां सही मात्रा में सही तरीके से दी जाए तो करीबन 40 से 50% लोगों का इजेक्शन फ्रैक्शन, पंपिंग एक्शन को इम्प्रूव किया जा सकता है। उनकी लाइफस्टाइल, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव की जा सकती है। एक उत्तराखंड से दर्शक हैं जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है कि सर मेरे आवाज जरा जोर से बोलना पड़ेगा जो आपको। बीपी उनका बढ़ा हुआ है 140/100 के लगभग रहता है सर। पहले अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर दें, उसके बाद सवाल सवाल पूछिए। लेते हैं सर मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही आपकी। टीवी का वॉल्यूम कम कर दें, उसके बाद सवाल पूछिए। सर वो का फायदा है ना, पर वो दवाई लेते हैं और 18 नाम से दवाई है सर। माफ करिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कृपया टीवी का वॉल्यूम कम करें, उसके बाद सवाल पूछें। उनसे संपर्क टूट गया है। तो डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि कुछ लोगों में ऐसा होता है कि जैसे 120 से कम आ गए ब्लड प्रेशर, या जो एक लेवल पहले बन जाता है 140-150 जो भी, उससे कम आने पर कमजोरी महसूस होना, और कुछ दिनों उनको के लिए होगा, अच्छा परमानेंटली नहीं होगा। तो मेडिकल सुपरविजन के अंदर में आप 10-15 दिन धीरे 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 आप उसको धीरे धीरे कम करते हो, एकदम से कम नहीं करते। ओके, तो जो लोएस्ट ऊपर एक वाला सौ बीस कितना? बटा 80 तो चाहिए मेरे को। नहीं, अगर किसी के पास 105 और 106 आ रहे हैं उस केस में क्या करेंगे? नीचे नीचे ऊपर का ऊपर का मेरा 100/60 है, फर्स्ट क्लास है। मेरा ऊपर का 100 है, नीचे का 60 है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, नहीं कुछ लोग करते हैं जैसे 2-3 दवा खा रहे हैं तो लो फिर ब्लड छोड़ प्रेशर दे। नाम की चीज नहीं होती लो ब्लड प्रेशर, क्रॉनिक लो ब्लड प्रेशर नाम की चीज नहीं होती। लो ब्लड प्रेशर मतलब है कि आपका एक्यूटली कम हो नहीं, गया। लोग को ये लगता है कि 106 और 70 हो गए उस तो ये सिचुएशन में हम 120/80 पे लाके थोड़ा सी दवाई कम करके 120/80 पे लाके छोड़ देते हैं। अच्छा, तो उसमें दवा छोड़ना नहीं चाहिए दवा, बिल्कुल नहीं छोड़ना। ये जो तो गलती, डॉक्टर ये गलती जो नहीं करना, दवा नहीं छोड़ना। डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर की दवाइयाँ कम करो, अपने आप दवाइयाँ कम नहीं करनी। नहीं, जनरली आम धारणा होता है कि जहाँ पहले 140-150 रहता था, अब 106 आ गए और 70 आ गए, तो अब एक दवा छोड़ दें तो दवाई बस। छोड़ोगे तो एकदम से शूट अप करेगा तो 140 के बदले 160 तक पहुंचेगा सीधा, ओके शूट अप वो ज्यादा करेगा। अच्छा, तो एक और गुजरात से दर्शक हैं, उनसे डिस्कनेक्ट हो चुका है इसलिए बात नहीं। तो 100 और 60 नॉर्मल, ये भी नॉर्मल एक के सौ बीस बटा 80 मेरे को चाहिए किसी भी उम्र के अंदर में। अगर किसी का नॉर्मली 100/60 है तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन अगर उसका ब्लड प्रेशर 160/100 रहता है तो मैं उसको 100/60 पे नहीं लेकर आऊंगा। नहीं, और अगर मैं 106/70 दवा से आ रहा है उस केस में क्या उस करना केस में चाहिए? मैं थोड़ी सी दवाई कम करके 120/80 पे ले आऊंगा। ओके, एक उत्तर प्रदेश से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। नमस्कार, आपको कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया आपका सवाल पूछिए। आवाज आ रही है आपको हमारी जी? सवाल पूछिए। अच्छा भाई साहब, ऐसा है हमारा लड़का 40 साल का है जी। हाँ जी, मेरा लड़का 40 साल का है जी। सन 1992 में
दिमागी बुखार आया था। बुखार आया था जी, बुखार आया था तो उसमें दिमागी तबादले गड़बड़ा गया, तो क्या हो गया कराया, तबियत ठीक हो जाती है, दिमागी बुखार हो गया। दो चार साल बाद फिर वैसी तबियत नहीं। अभी ब्लड प्रेशर की बीमारी क्या है उसको? अब ब्लड प्रेशर ये है कि ये मारते हैं पीटते हैं, मारते पीट जी, उनको खाना कारण जी, उनको 98 में दिमागी बुखार आया था, उसके बाद फिर 3-4 साल के बाद उसी तरह का परेशानी आया, और अभी भी उनको जो व्यवहार है सो सही नहीं है, जो एक होना चाहिए। नहीं, दिमागी बुखार का तो ब्लड प्रेशर से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर आपको दिमागी बुखार आया था तो या तो मेनिंजाइटिस होगी या इंसेफ्लाइटिस होगी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि एबनॉर्मल बिहेवियर है तो चांसेस है इंसेफ्लाइटिस हुआ हो, और ये पोस्ट इंसेफ्लाइटिस के सीक्वल ही हैं, इसको तो दवाइयों से ही आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। शायद ये अगर 98 से लेके अभी तक ठीक नहीं हुआ तो दवाइयों से ही आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, ये क्योर नहीं होता। ये अच्छे चिकित्सक से मिलके और राय ले सकते हैं, ब्रेन के डॉक्टर से बात करें, दवाइयां एडजस्ट कराएं। एक गुजरात से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। नमस्कार जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया सवाल पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन है कि सुबह में खाली पेट क्या खाना चाहिए जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे? सवेरे खाली पेट में क्या खाना चाहिए जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे? हम दिन भर खाने की बात करेंगे, सिर्फ सुबह की बात नहीं कर सकते। खान पान क्या खाना चाहिए ताकि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे? अगर आप चीनी ज़्यादा खाएंगे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, सफ़ेद चावल ज़्यादा खाएंगे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, सफ़ेद आटा यानी कि मैदा ज़्यादा खाएंगे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, क्वांटिटी खाने की ज़्यादा खाएंगे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, अगर खूब ज़्यादा खाना है शराब ज़्यादा पियेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, अगर आप घी तेल मक्खन आधा किलो से ज़्यादा खाएंगे एक महीने में तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आप ट्रांस फैट खाएंगे जिसको हम बोलते हैं वनस्पति, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो ये आपके बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप ग्रीन चीज़ें ज़्यादा खाएंगे, आलू मटर के बदले आलू मेथी लेंगे, आलू पालक लेंगे, तो ब्लड प्रेशर कम होगा। ये बेसिक प्रिकॉशंस आपने लेनी है। उत्तर प्रदेश से एक दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, कृपया सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्ते 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 सर जी, 4 साल पहले मुझे हेमरेज हुआ था। क्या हुआ था? ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज हुआ था। कितनी उम्र है आपकी? जी हाँ सर, किलोट से आए थे। उम्र कितनी है आपकी? उम्र है सर 42 साल की है। 42 साल की है, फिर? 42। अभी कैसा है? हाँ सर, अभी कैसा है सर? वैसे तो ठीक हूँ, लेकिन हाथ पैर ढंग से काम नहीं कर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये हर आदमी या औरत को समझ लेना चाहिए। ब्रेन हेमरेज का मतलब है ब्रेन की नस फट गई। ब्रेन की नस तभी फटेगी जब ब्लड प्रेशर ऊपर का 200 क्रॉस कर जाएगा या नीचे का 120 क्रॉस कर जाएगा। ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, ब्रेन की नस आपकी फट गई। इसमें अचानक मौत हो सकती है, जो आप सोचते हो ना कि रात में आदमी मरा हुआ मिला, तो हो सकता है उसके ब्रेन की नस फट गई हो। अगर ये ब्रेन की नस फटी 20 साल से पहले, 20-22 साल की उम्र से पहले, तब तो हम बोलते हैं उसको सबअरेक्नॉइड हेमरेज, वो एक अलग बीमारी है। लेकिन हम बातचीत कर रहे हैं 40-50 साल की उम्र के अंदर में। ये उन लोगों का होता है जो ब्लड प्रेशर का ध्यान नहीं रखते, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में नहीं करते, और एकदम से ब्लड प्रेशर शूट अप कर जाता है। ब्रेन हेमरेज एक बार हो जाए और आप बच गए, मतलब पहले घंटे में आपकी मौत नहीं हुई, तो चांसेस हैं कि आप रिकवर कर जाओगे, लेकिन आगे के लिए जिंदगी भर तक आपको अपना ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट नहीं होने देना, खासकर विंटर के मौसम में, खासकर पूर्णिमा फुल मून के आसपास आपने अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है। जहां तक पैरालिसिस का सवाल है, वो तो आपको फिजियोथेरेपी से ही धीरे 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 ठीक होगी। एक हिमाचल प्रदेश से दर्शक हैं, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, कृपया सवाल पूछिए। सर ऐसा है, मेरी 66 साल उम्र है और मेरा बीपी, मेरी बीपी 180 स्टेबल चला हुआ लगभग, तो मैं एब्लोकाइंड 80 खाता हूँ हाफ टेबलेट। तो कभी कभी कुछ ज्यादा हो जाता है, 160-90, 170-90, तो
इनका सवाल बड़ा सिंपल है कि मैं मेरी उम्र 66 साल की है, मेरा ब्लड प्रेशर, इस बारे में आप बताएं। नॉर्मली मेरा ब्लड प्रेशर स्टेबल रहता है और मैं आधी गोली खा रहा हूँ, लेकिन कभी कभी मेरा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर जाता है। याद रखिए, ये कभी कभी फ्लक्चुएट हम नहीं दे अलाउ कर सकते। आप कभी ये नहीं कह सकते मैं कभी कभी हमेशा चोरी नहीं करता, कभी कभी कर लेता हूँ। ब्लड प्रेशर तो मेरे को किसी भी हाल में 120/80 से कम चाहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा है, इसका मतलब है कि दवाइयों की मात्रा या तो कम है या आपका कोई ना कोई रिस्क फैक्टर आपका ज़्यादा है। या तो आप शराब पी रहे हैं या सिगरेट पी रहे हैं या डाइट में गलती कर रहे हैं या नमक ज़्यादा खा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। याद रखिए, विंटर में ब्लड प्रेशर की मात्रा दवाइयों की बढ़ जाती है, समर में कम हो जाती है। अब ये समर का समय है, मार्च चालू हो गया है, ज़्यादातर ब्लड प्रेशर मरीजों की दवाइयाँ की डोज कम हो जाएगी, और जैसे ही विंटर आएगा अगर आपने दवाई नहीं बढ़ाई तो एकदम से शूटअप कर सकता है। ये फ्लक्चुएशन से हमें बचानी है, फ्लक्चुएशन को हम अलाउ नहीं कर सकते। बिहार से दर्शक हैं, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, कृपया सवाल पूछिए। सर जी, बिहार से बोल रहा हूँ जी, सिक्योरिटी काउंसिल। सर हमें जो है एलर्जी है, कुछ भी ठंडा हुआ या फिर धूल गर्दा जो है वो हमें जो है ब्रेथिंग स्टार्ट कर देता है, सर्दी, नजला, खांसी, एलर्जी, सर में दर्द वगैरह होता है। एलर्जी, आपको एलर्जी की बीमारी है कि ब्लड प्रेशर की बीमारी है? प्रेशर नहीं है सर, एलर्जी की बीमारी। कुछ भी ठंडा गर्म हुआ ना सीजनल तो अटैक कर देता, खांसी, नजला हो जाएगा, खाने से तुरंत अटैक करता कुछ भी। ये कहते हैं मेरे को एलर्जी की बीमारी है। एलर्जी की बीमारी का यूजुअली ब्लड प्रेशर से ताल्लुकात नहीं है, अनलेस आपका जो है एलर्जी से कोई ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता हो, नॉर्मली इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। एलर्जी अगर आपको है तो हमें इसका कारण ढूंढना पड़ेगा, किस मौसम में होती है, कि पूरे साल रहती है, किस चीज़ से होती है, पॉलन से होती है कि धूल से होती है कि घर के कपड़ों से होती है, उसका कारण हमें निकालना पड़ेगा। एलर्जी की दवाइयाँ आजकल बहुत अच्छी अवेलेबल हैं, अगर आप टाइम पे दवाइयाँ लेते हैं तो एलर्जी को रोका जा सकता है। हम लोग खान पान पर बात कर रहे थे, उस पर थोड़ा और जानकारी लोगों को हो जाए तो अच्छा रहेगा। खान सबसे पहला ब्लड प्रेशर कम करने के लिए नमक कम खाइए, एक दिन भर में 6 ग्राम। पंजाब से दर्शक हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है, कृपया सवाल पूछिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, टीवी का वॉल्यूम कम कर दें, उसके बाद सवाल पूछिए। मैंने आपसे पूछा कहा था फिर जो मैंने माफ करिएगा, आपकी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही है, हम लोग चर्चा कर रहे थे ना। सर ब्लड डाइट का बड़ा सिंपल है, डाइट आप वेजिटेरियन डाइट खाएंगे तो अच्छा होगा। नॉनवेज खाते हैं अगर आप छोड़ना नहीं चाहते तो आप वाइट मीट लीजिए, उससे ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट इतना नहीं होता। जितना नमक खाएंगे उतना सेहत के लिए अच्छा है। और 3 प्रकार की प्रकृति है, वात, पित्त, कफ। जो वात प्रकृति के आयुर्वेद के अनुसार में प्रकृति के लोग हैं वो नॉर्मल नमक खा सकते हैं, पित्त और कफ वाले जो है नमक की मात्रा कम करेंगे। कम करने का मतलब है 6 ग्राम की मात्रा से कम आप लेंगे, जिसमें पोटाशियम ज़्यादा होता है वो ज़्यादा लेंगे, नींबू, संतरा, आंवला, ये चीज़ें जो है अगर आप ज़्यादा लेते हैं डाइट के अंदर में, अनार है, पोमग्रेनेट है, इन चीज़ों से ब्लड प्रेशर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका कम होता है। हरी सब्जियों में हर हरी चीज़ के साथ में, हर एक मीठी चीज़ के साथ में कड़वी चीज़ ऐड करिए। आलू मटर, आलू गोभी, आलू गाजर के बदले में आप आलू सेम, आलू फलियाँ, आलू बथुआ, आलू पालक और जो है आलू मेथी, ये चीज़ें अगर आप लेंगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम होगा। और सॉफ्ट ड्रिंक्स अगर आप पीते हैं दिन भर में एक से ज़्यादा तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ेगा, तो सॉफ्ट ड्रिंक को पानी की तरह का इस्तेमाल ना करें। कभी कभी पीते हैं तो ठीक है, लेकिन आप एक सॉफ्ट ड्रिंक रोज की पीते हैं एक से ज़्यादा तो आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। शराब अगर आप ज़्यादा पीते हैं तो भी इसके अंदर में ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। ऐसा कोई लिक्विड अवॉइड करें जिसके अंदर में एक चीनी हो, चावल, चीनी हो, अगर चीनी है तो नुकसान करेगी। और चावल, सफ़ेद चावल आप कम कर दीजिए, खाएं तो ब्राउन राइस खा सकते हैं, और सफ़ेद मैदा अपनी डाइट से निकाल दीजिए। पंजाब से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जी सवाल पूछिए। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, सवाल पूछिए। सर आज से 10 साल पहले मेरी एंजियोप्लास्टी हुई थी, तब उसके बाद पिछले हफ्ते मेरा बीपी 107-110 आया। मैं डेली 4-5 किलोमीटर सुबह सैर करता हूँ, सुबह 5 AM वो ठीक है। इनका सवाल बड़ा सिंपल है कि मेरी एंजियोप्लास्टी हुई है और
मेरा ब्लड प्रेशर 160/100 है, बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। एक एंजियोप्लास्टी के बाद में ब्लड प्रेशर को 120/80 से ज़्यादा हम रख ही नहीं सकते। आपको अपना ब्लड प्रेशर कम करवाना पड़ेगा। अगर आप कार्डेस ले रहे हैं, चाहे उसको डबल डोज करनी पड़े, चाहे दवाइयाँ ट्रिपल करनी पड़े, चाहे चार गुना करनी पड़े, ब्लड प्रेशर को किसी भी हालत में 120/80 से कम रखें। मॉर्निंग ब्लड प्रेशर को, मॉर्निंग ब्लड प्रेशर आपका, यस, आप दवाइयाँ बढ़वाइए, 120/80 पे लेकर आइए, फिर धीरे 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 लाइफस्टाइल के साथ में दवाइयाँ कम कराइए। नॉर्मली मेरा बीपी जो है, नहीं, आप ये कह रहे हैं नॉर्मली मेरा ठीक रहता है, अब बढ़ गया, मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को फ्लक्चुएशन ब्लड प्रेशर में नहीं चाहिए, दवाइयाँ चाहे बढ़ानी पड़े। ये नॉर्मली लोग कहते हैं मेरा हमेशा ठीक रहता है, कभी कभी बढ़ जाता है, वो कभी कभी मेरे को नहीं चाहिए। यू कांट से कि मैं हमेशा ड्राइविंग ठीक करता हूँ, कभी कभी मेरा ड्राइविंग मेरी खराब हो जाती है, जिस दिन खराब हो जाएगी एक्सीडेंट हो जाएगा। दैट इज नॉट परमिसेबल, दैट इज नॉट परमिसेबल। ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है, फ्लक्चुएशंस नहीं चाहिए। ये बात तो सही है डॉक्टर साहब, लेकिन एक और समस्या है लोगों के पास, वो हमेशा वो ब्लड प्रेशर चेक नहीं चाहिए, ब्लड प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए। आपका डॉक्टर को, ये आपका डॉक्टर का काम है कि वो जब ब्लड प्रेशर वो आपका चेक कर रहा है, वो आपको बुला रहा है, 160/100 अगर आपका हुआ है, वो आपको एक हफ्ते रोज बुलाए, हर हफ्ते बुलाएगा, कम से कम 3 महीने तक चेक करेगा, फ्लक्चुएशन चेक करेगा, या 24 आवर एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट से चेक करेगा, ये डॉक्टर का काम है, ये आपका काम नहीं है। आपने सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर की नहीं करनी, ये डॉक्टर का काम है कि फ्लक्चुएशन ना होने पे। ओके, एक उत्तराखंड से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, सर मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ सर। सर मेरा क्वेश्चन यह है कि सर मेरे फादर 65 ईयर में है सर उनकी, और बीपी बढ़ा हुआ है 140/100 के लगभग रहता है सर, और दवाई जो लेते हैं हफ्ते में दो या तीन बार लेते हैं केवल दवाई सर, ये क्या सही रहेगा दवाई हफ्ते में 2 या 3 बार लेना या रेगुलर खानी चाहिए दवाई सर? मुझे समझ में नहीं आया, सिर्फ समझ में आया कि आपका ब्लड प्रेशर 160/100 से ज्यादा है और 2 या 3 दवाइयां खा रहे हैं, 2 दवाई खाओ 3 खाओ 4 खाओ मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। ब्लड प्रेशर 120/80 से कम रखो, ऑर्गन्स के चेक कराओ, ऑर्गन्स में डैमेज नहीं होना चाहिए, ऑर्गन्स में डैमेज हो गया तो उसकी रिकवरी कराओ। हर आदमी का सवाल यही है कि थोड़ी सी दवाई खा लो ताकि ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए, नहीं चाहिए तो पूरा कंट्रोल चाहिए, और हमेशा के लिए कंट्रोल चाहिए, जिंदगी भर के लिए कंट्रोल चाहिए। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है आज का, याद रखिए ब्लड प्रेशर इज ए साइलेंट किलर। अगर आप चाहते हैं कि आप 80 साल तक जिए, अपना ब्लड प्रेशर नीचे का 80 से कम रखें, इसको आप गलत नहीं कर सकते। पंजाब से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी आप अपना सवाल पूछिए। हेलो, पहले आपसे मेरी जो पंपिंग है वो 32 है, और बिल्कुल पंपिंग एक्शन में जितना आपका पंपिंग एक्शन कम है, जितनी आप सैर करेंगे उतना पंपिंग एक्शन इम्प्रूव करेगा। मेडिकल सुपरविजन में सैर करना पूरा अलाउड है, इसको हम बोलते हैं 6 मिनट वॉक टेस्ट करते हैं, उसमें देखते हैं कि आप कितना चल रहे हो, उसमें कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है। पंपिंग एक्शन लोग में हम एक्सरसाइज बंद नहीं करते, लेकिन मेडिकल सुपरविजन में हाँ जी टाइमिंग आपका कंडीशन देखे, ऐसे नहीं बोल सकते कि 1 घंटा करो कि 1.5 घंटा करो, ये आपके हार्ट की कंडीशन में इको की कंडीशन देख के धीरे 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 कंडीशनिंग एक्सरसाइज कराते हैं आपको अंडर सुपरविजन, एक्सरसाइज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है। तो सब अब समय भी खत्म हो रहा है, तो लास्ट में चाहूंगा कि कौन दो तीन मुख्य बातें हैं जो हर दर्शक को फॉलो करना चाहिए। नीचे का पहले अपना ब्लड प्रेशर चेकअप कराया कि नहीं कराया सोचो, अगर 1 साल में ब्लड प्रेशर चेकअप नहीं कराया तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, आज जाके अपना ब्लड प्रेशर चेकअप कराओ। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, 160/100 से कम है, तो लाइफस्टाइल की सजेशंस मांगो, 160/100 से ज़्यादा है तो दवाइयाँ चालू करो, सिम्टम्स होने का वेट ना करो, क्योंकि ब्लड प्रेशर कैन बी ए साइलेंट किलर, या आपकी शांत हथियारा, या आपको हार्ट अटैक कर सकता है, पैरालिसिस कर सकता है, नपुंसकता ला सकता है, किडनी डैमेज कर सकता है, ब्लाइंडनेस ला सकता है। सो गो गेट योर ब्लड प्रेशर चेकअप डन टुडे, अगर लास्ट 1 साल में आपने नहीं कराया तो। एक हम लोग खत्म करने वाले, लेकिन अरुणाचल प्रदेश से काफ़ी दूर से और दर्शक हैं, उनका प्रश्न लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज के कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। जी आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं अरुणाचल प्रदेश से बोल रही हूँ जी। हाँ जी, मेरा सवाल है कि मुझे ब्लड प्रेशर रहता है और ये ब्लड प्रेशर मुझे करीब 30 इयर्स की मर्जेंसी एज थी, उसका मैं अपना टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया, ऐसे सुनाई नहीं देगा। हाँ मैंने कम कर दिया है, बंद कर दीजिए उसको 1 मिनट का, आधे मिनट के लिए, अगर आप टीवी चला के करेंगे हमें सुनाई नहीं देगा। नहीं सर, बिल्कुल कम कर दिया। आप ठीक आ रहा है, आप बोलिए। हाँ
मेरा जो ब्लड प्रेशर है ना ये और मैं जब 30 इयर्स की थी तब से फैट वाला ज्यादा हो गया था। हेलो जी, फिर से सवाल पूछिए। हाँ मैं एक्चुअली मेरा क्या होता है सर, मेरा ब्लड प्रेशर अप डाउन होते रहता है, धड़कन हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर डाउन होता रहता है, अप डाउन? हाँ अप डाउन होता रहता है, कभी बढ़ जाता है कभी घटता है जी। तो इससे क्या होता है कि ये हमारी धड़कन बढ़ जाती है। नहीं, अगर ये कहती हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है, धड़कन मेरी कभी कम कभी ज्यादा होती है, इसका ब्लड प्रेशर से ताल्लुक नहीं है, आप धड़कन वाला 24 घंटे का होल्डर टेस्ट कराइए, इससे पता लग जाएगा, क्योंकि जब भी पल्स बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो ये पल्स की फ्लक्चुएशन है, ब्लड प्रेशर की फ्लक्चुएशन नहीं है। आप अपना डॉक्टर के पास जाके 24 घंटे का ECG कराइए, जिसको होल्डर टेस्ट बोलते हैं, उससे पता लगेगा कि आपको कौन सी बीमारी है। डायरेक्टली ब्लड प्रेशर का नहीं, ब्लड प्रेशर पल्स के कारण से ऊपर नीचे हो रहा है। ओके, ब्लड प्रेशर के कारण से पल्स ऊपर नीचे नहीं हो रहा। एक और लोगों में शिकायत रहता है कि जैसे ब्लड प्रेशर तो चेक कर लिया और पल्स कितना होना चाहिए उसके बाद 80 से कम। अच्छा, पल्स भी 80 से कम, फॉर्मूला 80 है, दिल की धड़कन 80 से कम, नीचे का ब्लड प्रेशर 80 से कम, फास्टिंग शुगर 80 से कम, पेट की चौड़ाई 80 से कम, गंदे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 80 से कम, तो 80 का फॉर्मूला है ये। एक और कॉल अगर आपका परमिशन हो तो ले लेते हैं, झारखंड से दर्शक हैं। जी आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया अपना सवाल पूछिए। नमस्ते सर, मैं अर्जुन गुप्ता बोल रहा हूँ रांची। हाँ पूछिए, सवाल पूछिए जी। सर हम पूछना चाहते हैं, जैसे मेरी उम्र 32 साल है और सर बीपी मेरा 110/70 रहता है, लेकिन सर जब दिन में सोते हैं तो हार्ट बीट बड़ा रहता है और रात में सोते हैं तो ठीक से पुल नहीं रहता है। उम्र कम है, उम्र कम है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, लेकिन दिल की धड़कन बढ़ी रहती है, तो इसके लिए ECG टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि साइनस है कि नहीं है, और थायराइड का चेकअप कराएंगे, ब्लड चेक करेंगे कि खून की कमी तो नहीं है, उसके हिसाब से इसका इलाज करेंगे, और दिल की धड़कन को हम ज़्यादा नहीं रख सकते, और इसके लिए चेकअप करके ही पता लगेगा। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आज के व्याख्यान को यहीं विराम देते हैं, और मैं समझता हूँ कि आज के लेक्चर आप लोग के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा, आप ब्लड प्रेशर और अन्य बीमारियों के बारे में भी आपको जानने का मौका मिला। अगर आप सही कदम उठाएंगे तो निश्चित तौर पर, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर 80 का फार्मूला आप अपनाते हैं तो 80 वर्षों तक आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, दिल के डॉक्टर के पास खास करके। सो आज के व्याख्यान को ख़त्म करने के पहले एक चीज़ और आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि यह कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ आपको जानकारी देना है, न कि इलाज कराना। इलाज करने के पहले आप ज़रूर डॉक्टर से दिखाएं, उसके बाद ही इलाज शुरू करें। थैंक यू वेरी मच, और आपकी ओर से डॉक्टर KK अग्रवाल को बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.